जी अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम लोग ना स्क्रिप्ट को बताएंगे, ये और स्क्रिप्ट को ये बेसिकली एक टीम सेक्शन आप कह लें, और इसको हम जो है वो वेबफ्लो सीएमएस को यूज करते हुए और ग्रिड के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस सेक्शन को बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट ले रहा हूँ ताकि, और मैं क्लाइंट फर्स्ट पर यूज करूंगा ताकि चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आती जाए। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसमें एक पेज रेपर ऐड कर लेता हूँ, इसको मैं क्लास से देता हूँ पेज रेपर। कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी इसको करूँ ताकि वीडियो छोटे से छोटा बन सके। मेन रेपर के अंदर जो है मैं एक मेन रेपर सॉरी पेज रेपर के अंदर जो है मैं मेन रेपर ऐड कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं अपने सेक्शंस डाल दूंगा। एक और डिप मैंने लिया और उसको मैं कह देता हूँ सेक्शन होम टीम, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं एक पेज पैडिंग ले लूंगा। पेज पैडिंग बेसिकली क्या करेगा कि, बल्कि एक सेकंड, मुझे अपने पेज का स्ट्रक्चर भी देखना है। हमें यहाँ पर पेज पैडिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है दोनों बॉर्डर्स को टच कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर पेज पैडिंग को स्किप कर देते हैं, कंटेनर ले देते हैं सिर्फ, और कंटेनर में इसका कर देता हूँ कंटेनर लेट्स एक्स्ट्रा लार्ज, और उसको मैं कुछ प्रॉपर्टीज देता हूँ जैसे कि मैक्स वेट 120 रैम, वेट जो आ जाएगी वो 100%, और मार्जिन ऑटो कर दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं एक डिवोर लेता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ टीम कंपोनेंट, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं एक डिव लेता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज यस टीम आइटम, ओके। और टीम आइटम में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि एक ये इमेज आ जाएगा, उस पर ये टीम मेंबर का नेम आ जाएगा जो कि ओवर पे शो करेगा, ठीक है। सिर्फ हमारे पास दो चीजें आएंगी, तो जस्ट अ मिनट मैं वीडियो पॉज करके इमेजेस एक्सपोर्ट कर लूँ। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसकी इमेजेस मैंने एक्सपोर्ट कर ली है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने टीम पेज बनाना है, इसके लिए हमें जो है वो सीएमएस से सबका सब डेटा आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास टीम आइटम है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। बेसिकली ये सीएमएस से आएगा तो हमें यहाँ पर टीम आइटम की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको कंट्रोल जेड करके अंडू कर दिया है और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये टीम कंपोनेंट है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ सीएमएस में और यहाँ पर एक न्यू सीएमएस बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको नेम देता हूँ लेट्स सपोज टीम। मुझे इसमें क्या क्या चाहिए, एक तो मुझे टीम का मेंबर का नेम नेम चाहिए, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ मेंबर नेम, और सेकंड मुझे उसका जो है वो इमेज चाहिए, उसको मैं कह देता हूँ थंबनेल इमेज, और इसको सेव करके यहाँ से क्रिएट कलेक्शन कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ न्यू टीम मेंबर पे या न्यू टीम पे, लेट्स सपोज हाँ जी मेरे पास ये है, इसका नाम मेरे ख्याल में एरन है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ एरन, और यहाँ से जाके एरन की ये वाली पिक उठा लेते हैं, ठीक है। ये भी अपलोड हो रही है जब यहाँ पर ग्रीन साइन शो करेगा, उसके बाद ही ये प्रॉपरली अपलोड होगी, अदरवाइज आप क्रिएट कर देंगे और वो इमेज का शो नहीं करेगा। सिमिलरली एक और हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि चलिए मैं ये राइकल लेरी है इसी का ले लेता हूँ, और यहाँ से इसका थंबनेल इमेज जाके ले लेते हैं, राइट कर ओके। इसको हम एक्चुअली आप ये नाम देख रहे हैं, ये एक व्हाट्सएप इमेजेस से, ये मतलब कोई प्रॉपर नेम नहीं है। सबसे पहले कोशिश किया करें कि रीनेम कर लें, जस्ट अ मिनट।
आप देख रहे हैं ग्रीन शो हो चुका है, तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, उसी मतलब इसी तरह मैं बाकियों का भी जो है वो डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं रिकॉर्ड्स इंटर कर चुका हूँ, और हमारे पास जो डिज़ाइन है उसके अंदर भी 12 रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए मैंने जो है फिलहाल 12 रिकॉर्ड्स ही इंटर कर दिए हैं। रिकॉर्ड्स मेरे पास और भी हैं, लेकिन मैं उनको बाद में इंटर कर लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने 12 रिकॉर्ड्स यहाँ पर इंटर कर लिया। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड पे। यस, तो ये टीम कंपोनेंट है, इसके अंदर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं कलेक्शन लिस्ट का एक मेरे पास एलिमेंट पड़ा हुआ है, इसको क्लिक करते हैं। अब मुझे करना क्या है, इसको इसका जो सोर्स है नन की जगह टीम सेलेक्ट कर देना है। तो आप ये देख रहे हैं कि इससे मुझे यहाँ पर वो सब के सब आइटम्स दे दिए हैं जो मैंने इंटर किए थे। तो मैं इसको यहाँ पर एक क्लास से देता हूँ, टीम कलेक्शन लिस्ट। ओके, और ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा टीम कलेक्शन सॉरी आइटम। ओके, अब इसके अंदर हम एक टिप ब्लॉक डाल देते हैं। उस टिप ब्लॉक को मैं कह देता हूँ जैसे के यस टीम आइटम। और हमें चाहिए क्या, एक तो मुझे चाहिए उस पे सबसे पहले एक इमेज चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर हाँ एक डिप्लॉक ले देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ थंबनेल इमेज, या आप डायरेक्ट इमेज भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं इस डिप्लॉक को रिमूव करके इस टीम आइटम के अंदर जो है डायरेक्टली एक इमेज ले लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ थंबनेल इमेज, और इसको मैं लिंक करवा देता हूँ इस थंबनेल इमेज के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास 12 इमेजेस अपलोड हो गई हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यस इस कलेक्शन लिस्ट को लेता हूँ, इस कलेक्शन लिस्ट टीम कलेक्शन लिस्ट को यहाँ पर ग्रिड लगा देता हूँ। ग्रिड से ग्रिड मुझे चाहिए 4x3x4 का, और यहाँ पर मुझे नो गैप। ठीक है, अभी मेरे पास जो है वो इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं। इस इमेज को लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ, बल्कि मैंने क्लास दी भी है, इसकी वर्थ और हाइट जो है वो मैं 100% कर देता हूँ, और इसका जो पैरेंट है उसको मैं फ्लेक्स करके ये फिल क्यों नहीं कर रहा। तो मैंने इसको 100% हाइड कर दी है, किसको, टीम आइटम को, ताकि जो सब के सब इमेजेस हैं वो सेम साइज में शो हो जाए। ठीक है, ओके, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो है वो ग्रिड बन चुका है। हम इसको एग्जैक्टली मैच कर लेंगे इसके साथ। लेट्स सपोज के यहाँ पर मेरे पास 608 हाइट है, तो मैं इसको यहाँ पर 600 के साथ मैच कर लूंगा। ओके, तो अब उसके बाद मुझे यहाँ पर इसका नेम भी शो करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इस टीम आइटम को लेता हूँ, और इसको मैं रिलेटिव शो कर देता हूँ, पोजिशन रिलेटिव। एक्चुअली मुझे होवा पे चाहिए, इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं जाके एक जो है वो डिप लॉक ले लेता हूँ, इस डिप लॉक को मैं कह देता हूँ टीम मेंबर नेम, और इसको मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। अब मैं इस पेरेंट इसके पेरेंट पे जाता हूँ जिसका नाम था टीम आइटम, मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको फ्लेक्स सेंटर कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास ये आ गया इसके अंदर। अब मुझे कलर क्या चाहिए, यहाँ से कलर कोड कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर आके इसको टेक्स्ट कलर कर देता हूँ, शायद मैंने ऑलरेडी ऐड नहीं किया हुआ। ओके, अच्छा एक कलर स्वेचिस एक चीज होती है, कलर स्वेचिस स्वेचिस
अब वो आपको क्या करेगा कि अगर आपको आप ये कलर दोबारा रीयूज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कराऊंगा इस प्लस के आइकन पे और इसका कलर स्वैच बना दूंगा। ठीक है, अब ये लाइट स्लेट ग्रे है तो ये कलर अब मेरे पास जब भी मुझे चाहिए होगा मैं यहाँ से जस्ट क्लिक करके यहाँ से रीयूज कर लूंगा। तो ये एक प्रोफेशनल वे भी है, दूसरा आपको आपके काम को आसान करा है तो आप इसको यूज किया करें। ओके डन, अब हम यहाँ पर आते हैं और मुझे ये इसका फ़ॉन्ट साइज वगैरह देख लेता हूँ, 792। ओके तो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज ले लेता हूँ H2 ले लेता हूँ। ओके यहाँ पर उसने कुछ मेंशन तो नहीं किया हुआ। ओके सिंपल टेक्स्ट चल जाएगा, ठीक है H2 ले लेता हूँ और इसको मैं लिंक कर देता हूँ मेंबर नेम के साथ। ठीक है, और इसको मैं करवा देता हूँ हाइट। अब मुझे होवा पे शो करवाना है तो मैं क्या करूँगा कि इस टीम मेंबर टीम आइटम को लेता हूँ, यहाँ से इंट्रेक्शंस पे आता हूँ और यहाँ से एक होवर की इंट्रेक्शन क्रिएट करता हूँ, ऑन होवर। वीडियो लंबा हो रहा है बट मैं चाह रहा हूँ इसको खत्म कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ओके नेम शो के नाम से एक मैंने इंट्रक्शन बना दी। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से जो मैंने टीम मेंबर नेम को हाइड करवाया है इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आके शो हाइड लेता हूँ और उसकी इनिशियल स्टेट, यहाँ से आपने क्या करना है सेट एस इनिशियल स्टेट जो है वो हिडन करा देनी है। और उसके बाद होवर पे वो क्या करे, होवर पे वो जो है यहाँ से डिस्प्ले ब्लॉक कर दे। ठीक है, अच्छा जब होवर आउट हो, ठीक है तो वो क्या करे, होवर आउट पे नेम हाइट के नाम से एक इंट्रक्शन बना दी, इसको लेते हैं तो यहाँ से आके वो क्या करे हाइट कर दे। तो ओके जी हाइट कर दो होवर आउट पे। ओके इसको देखते हैं, ये देखें ये इसका नेम डिस्प्ले हो रहा है, इसका ये इसका सिमिलरली ये इसका नेम। बेसिकली ये कुछ कलर्स मैच नहीं कर रहे, उसका हम क्या करेंगे कि इसके बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ, इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ शेड ऐड करेंगे ताकि कलर रीडेबल हो। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और हाँ, इसको मैं ग्रिड अप यूज़ किया है तो इसको रिस्पॉन्सिव करना भी बता देता हूँ, जस्ट क्लिक्स पे है, जस्ट मैं स्मॉल स्क्रीन पे गया तो ओके इट्स एक्सेप्टेबल नो प्रॉब्लम, जब ज़्यादा स्मॉल स्क्रीन पे आया तो वैसे यहाँ भी एक्सेप्टेबल है बट मैं चलो इसको थोड़ा सा यस यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। अब मैं 4 की जगह 3 का ग्रिड बना देता हूँ। ठीक है, मजीद स्मॉल स्क्रीन पे चलते हैं, इसको यहाँ पर 2 का बना देते हैं। एक्चुअली 2, 6 और 12 होता है तो मुझे यहाँ पर 2 और 6 12 कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो आई होप के चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। काइंडली 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 आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि मजीद वीडियोस आप लोगों को मिल सके। तो ये इसका 1920 का डिस्प्ले आ गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।